2024 T20 वर्ल्ड कप, जिसमें टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट करेगी और 20 टीमों में से 18 टीम पहले ही क्वालिफाई कर लिया था। और फिलहाल जो है अफ्रीकन क्वालिफायर खेला गया है और अफ्रीकन क्वालिफायर से दो ही टीम क्वालिफाई होके आएंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। वो दो टीम कौन सा है वो जानने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटे का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। सबकी नज़र थी जो अफ्रीकन क्वालिफायर खेला गया था, अफ्रीकन क्वालिफायर में जिम्बाब्वे के ऊपर। सबको लग रहा था जो है जिम्बाब्वे इस बार 2024 T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी, बट उलट फेर करते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे उगांडा। जी हाँ, उगांडा ने जो है 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उगांडा की साथ ही दूसरा और एक टीम है जो है नामीबिया। सबको लग रहा था जो इस बार जिम्बाब्वे और नामीबिया शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, बट उगांडा ने उलट फेर करते हुए जिम्बाब्वे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसके साथ ही 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए नामीबिया और उगांडा ने अपना नाम भी कन्फर्म कर लिया है। और इसके साथ ही जो 20 टीमें हैं वो भी कन्फर्म हो गया है। जो 2024 T20 वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा 4 जून से 30 जून तक, टोटल 55 मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ और USA में होगा इस बार का T20 वर्ल्ड कप। अगर आप लोगों को जो 20 टीम है उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर और एक वीडियो है जिसमें मैं जो 18 टीम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है जो इस बार T20 वर्ल्ड कप है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत सारा टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देके जाइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।